उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार गिराई तो उन्होंने बहन जी ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराकर बदला लिया था कि बहन कुमारी मायावती के एक वोट से इस देश का प्रधानमंत्री सड़क पे आ सकता है। बहन कुमारी मायावती को झुका नहीं पाई और डरा नहीं पाई, ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती, इसीलिए इनको आयरन लेडी कहा जाता है। बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज के लिए और सर्व समाज के लिए क्यों जरूरी है? जी हाँ, ये बहुत ही बहस का मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि कुमारी मायावती शुरू से ही, जब से राजनीति में आई है, क्या उससे पहले ही दबंग प्रवृत्ति वाली नेता रही है? वो कभी भी किसी के आगे झुकी नहीं, डरी नहीं, घबराई नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं, और हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहती है, चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना आए। और मायावती जी के तेवर और आत्मविश्वास से जितने सामंतवादी मानसिकता वाले नेता हैं, गुंडे हैं, जितने कट्टर लोगों की हिम्मत चकनाचूर हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा 1977 से अब तक का इतिहास पर अगर नजर डालेंगे कुमारी मायावती की, तो ये सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं, जिन्होंने राजनीति में आने से पहले ही 1977 में नारायण जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो संचालन कर रहे थे एक प्रोग्राम का और बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बहन कुमारी मायावती का नंबर आया तो उन्होंने उनकी इस शब्द को लेकर बहुत कड़ाई से मंच से आलोचना की और तुरंत ही वहां राज नारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग गए थे, जबकि वो केंद्रीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तो तब से लेकर आज तक मायावती के तेवर कभी भी घबराने वाले नहीं रहे, झुकने वाले नहीं रहे। और बहन कुमारी मायावती के इन्हीं तेवरों और आत्मविश्वास से बहुजन समाज के लोगों की हिम्मत बढ़ी है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार और ऐतिहासिक बात है। साहब कांसीराम अपनी राजनीति के समय तक कभी भी महत्वहीन मुद्दों पर कभी बहस नहीं करते थे, बल्कि सीधे तौर पर बहुजन समाज की एकता और जागरूकता बढ़ाकर अपना आंदोलन मजबूत करते थे। बहन कुमारी मायावती भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर सीधे सीधे बहुजन समाज की एकता और जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फालतू की बहस में ना खुद पढ़ती है, ना पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता को पढ़ने देती है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लिए, बेहतरी के लिए काम करती है, काम की बात करती है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में 3 बार बहन कुमारी मायावती की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी, मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती, और चाहती तो वो पूरे 5-5 साल के टर्म तक मुख्यमंत्री रह सकती थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी के एजेंडे को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, मंदिर राम मंदिर मुद्दे का कभी समर्थन नहीं किया, बल्कि इसके उलट जो बहुजन समाज में जन्मे संतों, पुरुषों और गुरुओं का के नाम पर जिले बनाए, पार्क बनाए, स्मारक बनाए, ये काम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती करती हैं। अप्रैल 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो बहन कुमारी मायावती ने एक वोट से अटल बिहारी सरकार को गिरा दिया था, जो देश के प्रधानमंत्री थे उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था। उस समय आरएसएस और बीजेपी विरोधियों ने कहा था कि मायावती ने यह विश्वासघात किया है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले मायावती ने सदन में ये बयान दिया था कि मैं और मेरी पार्टी इस वोटिंग से तटस्थ रहेंगी, इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। तो बीजेपी ने सोचा कि अब तो सरकार निश्चित रूप से बच जाएगी, लेकिन बहन कुमारी मायावती पार्लियामेंट में बिना किसी को बताए अपने आप पहुंची और एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिरी, और वो एक वोट बहन कुमारी
मायावती का था। तब लोगों ने कहा था धोखा किया है, विश्वासघात किया है बीजेपी के साथ, बीजेपी ने तो 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था, 2 बार तो बहन कुमारी मायावती ने उत्तर दिया था कि मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया है, मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार गिराई तो उन्होंने, बहन जी ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराकर बदला लिया था। ये काम सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं। और इस घटना से एक वोट की ताकत को, एक वोट की कीमत को बहन कुमारी मायावती ने अपने वोटर को समझाया कि एक वोट की कितनी कीमत होती है, कि बहन कुमारी मायावती के एक वोट से इस देश का प्रधानमंत्री सड़क पे आ सकता है, तो बहुजन समाज के, सर्व समाज के एक वोट से बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लोग आज भी कहते हैं कि मायावती आयकर के शिकंजे में है, जो सुप्रीम कोर्ट के केस के विभिन्न फर्जी मामले में दुनिया भर के फंसाए गए, मायावती उनके दबाव में है, मायावती की हिम्मत टूट गई है, मायावती कहीं घर से नहीं निकलती, अपने में बचाने में लगी हुई है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि इन झूठे फर्जी मुकदमे को आज तक सारी विरोधी पार्टियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिलकर के साबित नहीं कर पाए, और वो बहन कुमारी मायावती के इस उनको झुकाने के, डराने के मुहिम में खुद बुरी तरह असफल हुए हैं। वो चाहे आईबी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सारी विरोधी पार्टियां, विरोधी ताकतें बहन कुमारी मायावती को झुका नहीं पाई और डरा नहीं पाई। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती, इसीलिए इनको आयरन लेडी कहा जाता है। और बहन कुमारी मायावती का शासनकाल उत्तर प्रदेश में जब जब भी रहा, 4 बार मुख्यमंत्री रही, और उस समय जिले में डीएम या एसपी में से एक पद अनुसूचित जाति या ओबीसी के अधिकारियों के लिए रिजर्व था, कि जिले में अगर कलेक्टर जनरल का है तो एसपी शेड्यूल कास्ट का होगा, और एसपी जनरल है तो कलेक्टर शेड्यूल कास्ट का होगा, और तमाम सारे डीएसपी और एडीएम और हर लेवल पर ये बिठा दिए थे। ये काम भी बहन कुमारी मायावती कर सकती है। इसके साथ साथ सभी थानों में एसएचओ और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए 25% रिजर्वेशन कर दिया था, कि 25% एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारी तैनात किए जाएंगे, और किए गए। ऐसा काम किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने पहले कभी नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में जब तक बहन कुमारी मायावती रही, तो जितने भी कट्टरपंथी, जितने गुंडे, बदमाश, कानून व्यवस्था का जो राज था, कानून द्वारा कानून का राज, वो बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, जिन्होंने राजा भैया जैसे, जिनकी समानांतर सरकार चलती थी, उसको उसके सारे खानदान समेत जेल के अंदर ठूंस दिया था। और इतना ही नहीं, अपनी ही पार्टी के एमएलए, एमपी, मंत्री जिन्होंने गलत काम किए, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनको बहन कुमारी मायावती ने पद से बर्खास्त किया, मंत्री पद छीना, उनको एमपी पद से छीना और उनको जेल तक भिजवाया। ये काम सिर्फ, केवल और सिर्फ बहन कुमारी मायावती ने किया है। आज तक देश के किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। सब अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने के चक्कर में रहते हैं। कांशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जो देश में सामंतशाही और जो गैर बराबरी की व्यवस्था चल रही है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है और प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार हैं। ये मैं नहीं कहता, ये तमाम सारे मीडिया के लोग कहते हैं, और ऐसा 2-3 बार हो चुका है। बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री होने के बहुत नजदीक पहुंच गई, लेकिन इन सामंतशाही ताकतों ने सब इकट्ठा होकर, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, सारे दल इकट्ठा होकर के इनके विरोध में खड़े हो गए और प्रधानमंत्री पद से रोक दिया। लेकिन कब तक रोकेंगे? उत्तर प्रदेश में भी बहुत कोशिश की रोकने की,
ये चार बार नहीं रोक पाए और पांचवी बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसी तरीके से सारी ताकतें कितना भी जोर लगा दें, बहन कुमारी मायावती को देश की प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते। और बहन कुमारी मायावती ही ऐसी नेता हैं आज पूरे देश में कि साहब कांशीराम के बाद वो ही अंबेडकरवाद को अच्छी तरह समझती हैं और भारत को जो कहते हैं सारे वादों से मुक्ति दिला सकती हैं, जितने ब्राह्मणवाद और मनुवाद के से मुक्ति दिला सकती हैं बहन कुमारी मायावती, सामंतशाही व्यवस्था से मुक्ति दिला सकती हैं, और कोई भी नेता ऐसा आज की तारीख तक नहीं है। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी 1996 में राष्ट्रीय पार्टी बनी और वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी तब से लेकर आज तक है। 1996 से लेकर आज तक राष्ट्रीय पार्टी है और वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वोट के आधार पर दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता रहा है। जो विरोधी प्रचार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घट गया है, घट रहा है, ये सब मिथ्या प्रचार है। अगर आप चुनाव आयोग के आंकड़े देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा वोट परसेंटेज बढ़ा है। बेशक सीटें कम हुई वो एक अलग बात है, और बहन कुमारी मायावती की कार्यशैली को चाहे पार्टी के अंदर की है अनुशासन, चाहे सरकार के समय का अनुशासन है, ये उत्तर प्रदेश नहीं भारत नहीं दुनिया इस बात को जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर में आज तक 75 साल की आजादी में कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जो बहन कुमारी मायावती की तरह से लॉ एंड ऑर्डर को चला सके। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार हैं। और जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो पीएल पुनिया और ब्रजलाल जैसे बहुत सारे अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके शीर्ष पर बिठाया था, ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे, लेकिन इन सारे अधिकारियों ने नमक हलाली की, गद्दारी की और मात्र मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए बहन जी के विरोध में खड़े हो गए। पीएल पुनिया ने तो यहां तक किया कि ताज कॉरिडोर मामले में जो फर्जी मामला था इसने झूठी गवाही देकर बहन कुमारी मायावती को फंसाने की कोशिश की थी, काय के लिए, सिर्फ एक एमपी की उस सीट के लिए जो कांग्रेस ने उसे एमपी बनाया। तो ऐसे गद्दार तब भी थे, आज भी ऐसे गद्दार हैं बहुत सारे जो बहन कुमारी मायावती के कारवां को रोकने के लिए तमाम छोटे मोटे दल आज बन रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं। इनसे बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। तो एक नारा जो शुरू से चलता आ रहा है, पहले था कि भारत की मजबूरी है कांशीराम जरूरी है, फिर हुआ भारत की मजबूरी है बीएसपी जरूरी है, और आज ये नारा बुलंद है कि भारत की मजबूरी है बहन कुमारी मायावती बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।